और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेवेंथ हाउस में आपके जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं तो उससे आप अपने फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, प्लस आपका पार्टनर आपके लिए कितना लकी रहेगा, हम ये भी साबे मतलब पता कर सकते हैं सेवेंथ हाउस में प्लैनेट्स के। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि सेवेंथ हाउस में हमारा कोई भी ग्रह बैठा है तो हम अपना वैवाहिक जीवन को भी जान सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन स्मूथली चलेगा या फिर ऑब्स्टिकल्स के साथ जाएगा, मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा या फिर कई बार लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं बीच में। तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सेवेंथ हाउस। ठीक है, अब कुछ मैं इंग्लिश में ही बोलता रहता हूँ थोड़ा, जिससे बहुत सारे इंग्लिश व्यूअर भी मेरे साथ जुड़े हैं जिनको समझ में आता रहे। अब ठीक है, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो आपको सबसे पहले देखना है सेवेंथ हाउस यानी D1 चार्ट का, देन यू विल हैव टू गो D9 चार्ट। जब उस पर जाना होगा आपको, तब आप वहाँ पर चेक करोगे कि उसमें भी आपकी स्थिति कैसी है। बट अभी हम D1 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सेवेंथ हाउस में आपके फॉर एग्जाम्पल सन बैठा है, यहाँ पर सूर्य वैसे भी नेचुरली नीच का हो जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य मेष में उच्च का होता है तो नीच का होता है तुला में। वहाँ पर वो अच्छा रिलेशनशिप में, याद रखना, सूर्य की राशि में जब सॉरी शुक्र की राशि में जब भी सूर्य आता है तो पार्टनर ना आपको थोड़ा, जैसे तुला, खासकर तुला राशि में जब भी सूर्य आएगा तो पार्टनर ना आपको थोड़ा रिलेशनशिप्स में ईगो प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। सेवेंथ हाउस में सूर्य आ जाएगा तो मतलब पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकता है रिलेशनशिप में, ईगो की वजह से बनेगी नहीं पार्टनर से, ये बिल्कुल गारंटी हो जाती है इस बात की। और सेवेंथ हाउस में जब भी सूर्य होता है तो पार्टनर हो सकता है सुंदर जरूर हो, मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो कई बार, और कई बार गवर्नमेंट जॉब वाला पार्टनर भी मिलता है। पार्टनर के कारण बदनामी भी करवाता है सेवेंथ हाउस का सूर्य। अब इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, वो D9 पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं D1 में भी। बट हम एक ग्रह से भी इतना जान सकते हैं, जैसे आपका लकीली पार्टनर आपका बहुत ज्ञानी मिलेगा आपको सूर्य सेवेंथ हाउस में। ठीक है, एजुकेटेड भी मिल सकता है क्योंकि नेचुरली फिफ्थ हाउस का मैं हमेशा बताता हूँ, फिफ्थ हाउस की एनर्जी वहाँ जाएगी जाएगी जो लियो की एनर्जी है, तो सूर्य उसका रूलर है और सेवेंथ हाउस में वो आके बैठ रहा है तो डेफिनेटली। और ना पार्टनर गवर्नमेंट जॉब हाईली एजुकेटेड वाला भी मिल सकता है। और लकीली देखिए, नीच का सूर्य सेवेंथ हाउस में हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनर बहुत ज़्यादा लकी होगा, बट हाँ उसको ईगोइस्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी आपके रिलेशनशिप में, और उसको सहन शक्ति वाला पार्टनर नहीं मिल पाता सेवेंथ हाउस में सूर्य, इसलिए इन लोगों का लाइफ में, इनकी कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है इस कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा देखिए सेवेंथ हाउस में सौम्य ग्रह इमोशनल पार्टनर देता है और बहुत ही सेंसिटिव पार्टनर देता है, बहुत ही हसमुख पार्टनर देता है, सुंदर भी देता है। सेवेंथ हाउस में चंद्रमा तो माता जैसा पार्टनर मिलेगा, जैसे आपके माँ का स्वभाव होता है, माँ कैसी होती है, केयरिंग, बच्चे से प्रेम करने वाली, तो ऐसा आपको पार्टनर मिलेगा ज़रूर और सुंदर पार्टनर मिलता है। कई बार लव मैरिज करवाता है सेवेंथ हाउस का मून, बट और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर किसी लड़के की चार्ट में है तो वो वीनस, और लड़की की चार्ट में है तो मंगल और जुपिटर भी डिपेंड करते हैं। जैसे आप सेवेंथ हाउस में किसी चंद्रमा है तो पार्टनर से आपको बहुत सुख भी मिलेगा क्योंकि फोर्थ हाउस की कर्क राशि का नेचुरल रूलरशिप है चंद्रमा के पास, और वो फोर्थ लॉर्ड की तरह आपके सेवेंथ हाउस में आके बैठ रहा है तो लाइक कंफर्ट भी देता है पार्टनर के थ्रू। बट यहाँ पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, बहुत सारे डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। बट हाँ, तुला राशि का चंद्रमा जब भी अगर आपके आ गया यहाँ पर तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर डिपेंड करता है किस राशि का चंद्रमा है। कई बार तुला राशि का चंद्रमा इमोशनल डिसबैलेंस देता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंस इमोशनल पार्टनर देता है, पर उसके कारण उसके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है वहाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंगल। मंगल सेवेंथ हाउस में आएगा तो डेफिनेटली आपको मैरिटल लाइफ में एरोगेंट पार्टनर मिल सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े रहेंगे, या तो आप पार्टनर की वजह से दूसरे सामने वाले व्यक्ति से झगड़ोगे या फिर आप खुद पार्टनर से लड़ाई करोगे। एट्थ हाउस की भी एनर्जी लेके आता है तो पार्टनर सीक्रेटिव भी होता है कई बार, और हेल्थ इशूज़ पार्टनर को देता है कई बार। मंगल सेवेंथ हाउस में तो पार्टनर मुँह पे बोलने वाला होगा, वाणी का थोड़ा कड़वा हो सकता है और दिल का साफ होता है पर ऐसा पार्टनर, क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट ज़रूर है पर तुला राशि में मंगल ना शुक्र की एनर्जी को भी कैरी कर लेता है वहाँ, अगर वहाँ पर जा रहा है तो। अगर मंगल सिंह राशि में जा रहा है तो और चीज़ें हाईली एग्रेसिव हो जाएगा, पर डिपेंड करता है देखिए। बट हाँ, चंद्रमा है तो लकीली आपका पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली होगा, वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है। मंगल है तो सुख में नहीं बीतता, सूर्य है नहीं। अब हम बात करते हैं बुध सेवेंथ हाउस में है तो डेफिनेटली पार्टनर एजुकेटेड होता है, स्किल्स होती हैं उसके अंदर, बहुत दिमागदार कैलकुलेटिव पार्टनर मिलता है, बहुत ही सुंदर पार्टनर मिलता है, और या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा, ये पक्का हो जाता है, इस बात की गारंटी हो जाती है। सेवेंथ हाउस में मरकरी होता है तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ज़रूर आती है क्योंकि ये मरकरी ना ना वो पुरुष में उसकी गिनती है ना उसकी मतलब स्त्री प्लैनेटों में। तो क्या है ना, मरकरी का ना स्वभाव दी स्वभाव भी है, मतलब दी स्वाभाविक है। ठीक है, वो जिस भाव में जाता है ना उस वक्त जिस ग्रह के साथ बैठता है वो भी उस चीज़ की कैरी एनर्जी कर लेता है,
और मरकरी ना बचपना बहुत है, तो आपको बच्चे जैसा पार्टनर, मतलब ऐसा हंसी मजाक करने वाला, ठीक है, वो भी आपको दे सकता है पार्टनर, ऐसा हो सकता है आपका हंसना सारी बातों पे, तो वो चीज़ मतलब जो बच्चों का स्वभाव होता है ना वैसा भी पार्टनर देता है कई बार, पर इस पर और भी फैक्टर डिपेंड करता है मरकरी की किसकी एनर्जी कैरी कर रहा है, देखिए। पर हाँ, दिमागदार पार्टनर मिलता है, और पार्टनर जॉब करने वाला कई बार होता है, या बहुत ही कम्युनिकेटिव पार्टनर मिल जाता है आपको, हेल्प करे आपकी कम्युनिकेशन में, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, और लकीली पार्टनर अच्छा ही होता है वैसे। अब जैसे यहाँ पर आपके फॉर एग्जांपल गुरु बैठा है, तो डेफिनेटली पार्टनर जॉब करने वाला होगा, ठीक है, बहुत भाग्यशाली होगा। पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में इंक्रीमेंट होगी चीज़ों में, अगर गुरु अच्छी राशि में बैठा है, तुला राशि में है तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो शत्रु राशि है और उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर नॉलेज का ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है पार्टनरों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें देखी दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, गुरु जब भी 7th हाउस में आएगा तो पार्टनर 9th हाउस की नेचुरल एनर्जी है, 12th हाउस की भी एनर्जी कैरी करके लेके आता है, तो पार्टनर लकीली होगा क्योंकि 9th हाउस की एनर्जी है, 12th हाउस है, तो डेफिनेटली वैवाहिक जीवन में ना थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर देता है कई बार, या पार्टनर बाहर का पार्टनर, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे अब 7th हाउस में आपके हमने सारी शनि आ गया, तो कई बार तलाक करा देगा, कई बार सेपरेशन हो जाता है, और यही शनि अगर अच्छी राशि में हो, तुला होगा और वृषभ का हो, तो तलाक का वो तो नहीं होने देगा, बट हाँ मैरिटल लाइफ डिले हो जाती है, शादी बहुत ज़्यादा दुख में बीतती है, क्योंकि शनि दुखों का भी कारक है। और अगर यहीं पे आपका राहु है तो डेफिनेटली पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकता है, केतु है तो आपका पार्ट, और कई बार राहु विदेश का पार्टनर भी देता है, 7th हाउस में केतु जब आ जाता है ना, तो पार्टनर ना स्कॉर्पियो की एनर्जी है केतु में, ठीक है, तो अकल्ट वाला पार्टनर मिलता है बहुत ज़्यादा, या फिर सीक्रेटिव होते हैं वो भी बहुत, और ना मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, दो शादी के योग भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी दोस्तों। और शुक्र है तो डेफिनेटली हैंडसम यंग पार्टनर मिलता है, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।